देखिए, अभी जो प्रजनन काल घड़ियालों का चल रहा है वो हमारी जो 21 साइटें हैं जो चंबल घड़ियाल अभयारण्य राजस्थान में है, वहाँ अलग अलग जगह पर प्रजनन चल रहा है। जैसे एक जगह पालीघाट है, यहाँ की बताएं तो हमने सेंसस किया है इसमें, तो 330 बच्चे अभी तक निकल चुके हैं। मादा घड़ियाल है, एक बार में 50 से 70 अंडे देती है और 70 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। बच्चे जब अंडे से बाहर आते हैं तो 15-20 दिन तक वो स्विम नहीं कर सकते, उसके बाद में वो किनारे पे रहते हैं 15-20 दिन तक, उसके बाद में वो नदी के अंदर तैरना सीख जाते हैं और आगे चले जाते हैं। बच्चों को सबसे ज़्यादा खतरा जकाल, कुत्ते, इस तरह के प्रेडेटर्स से रहता है, उनसे बचाने के लिए हमने सभी साइटों की फेंसिंग करी है और सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। पर्यटन के लिए हमने जो पालीघाट है यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं पर्यटकों के लिए विकसित की हैं। पहले कोई सुविधाएं नहीं थी, जब से हमने सुविधाएं विकसित की हैं, एक जेटी हमने वहाँ लगाई है और 32 हमारे पास प्राइवेट नाव रजिस्टर्ड है जिसमें कोई भी पर्यटन जा सकता है और पर्यटक जा सकता है और पर्यटन का आनंद ले सकता है। इस तरह से जो हमारे इस बार का जो पर्यटन का जो रुझान रहा है बहुत अच्छा रहा है और उत्साहवर्धक रहा है, क्योंकि ये रणथंभौर के करीब है ये साइट, तो रणथंभौर के ज़्यादातर पर्यटक पालीघाट जाना भी चाहते हैं। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।